भाइयों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजस्थानी व्यंजन में। जी दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल राजस्थानी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा रेसिपी। जी हाँ, खाने में बहुत लजीज होती है, बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड, आप भी बना सकते हो घर पे इजीली तरीके से। और फ्रेंड, मेरे वीडियो को पूरा देख, बहुत ही सीक्रेट बताऊंगा आपको। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और आप देख सकते हैं कढ़ी पकौड़ा कैसा दिख रही है, एकदम कितना सॉफ्ट दिख रही है और कितना कूट दिख रही है। तो आप भी घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने एक ऐसा बोल ले लिया है, एक आधा कटोरी बेसन, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो बेसन की गुठलियाँ हैं उसको पूरा तोड़ देंगे अपन। बेसन को मिक्स कर देंगे मसालों के साथ में। बेसन को अच्छा मिक्स करने से पूरा अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं पूरा बेसन में पूरा मिक्स हो चुका अपना मसाला, जिसमें दही मिलाएंगे। मैंने खट्टा दही यूज किया है। अब इसमें बेसन में धीरे धीरे मिला देंगे, उसको छान के डालेंगे दही को। कुछ भी कचर रही तो निकल जाएगा दही में से। उसको अच्छे से फेटेंगे, उसको अच्छे से हिलाएंगे तो कढ़ी में अच्छा टेस्ट आएगा अपना। जितना देर मिलाएंगे उतना कढ़ी में टेस्ट बढ़ जाएगा अपने। और थोड़ा दही मिलाएंगे, फिर से एक बार और फेटेंगे, मिक्स करेंगे एक बार और पूरा अच्छे से। अब देख सकते हैं इस तरह से अपना गोल तैयार है। और देखिए दोस्तों, मैंने पूरा 300 ग्राम दही यूज किया हूँ, पूरा मिक्स हो चुका है। अभी देखिए एक कढ़ी का गोल बन चुका है। अब अपन तड़का लगाएंगे, तो साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अभी कढ़ी बनाने के लिए गैस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मीडियम साइज की कढ़ाई ले ली है, उसको थोड़ा गर्म करें। अभी देखिए इसमें तेल मिला देंगे, तो 2 बड़े चम्मच तेल लिया मैंने। थोड़ा उसको गर्म करने के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। सबसे पहले जीरा डालेंगे तेल में, गैस को मीडियम कर देना है, गैस को स्लो ही कर देना है। इसमें सरसों डालेंगे, थोड़ी सी मेथी के दाने भी डाल दिए मैंने। गैस को कम रखना, फ्लेम पक चुका है। अब हम लोग इसमें अदरक लहसुन मैंने टुकड़ा करके डाल दिया हूँ, वो भी इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन टुकड़ा करके काट दिया हूँ, वो भी इसमें डाल देंगे। और 5 या 6 भी करी पत्ता, वो भी मिला देंगे। करी पत्ता डालते हुए आप ध्यान रखिए, करी पत्ता में पानी होते हैं तो उछल सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से डालिए। एक छोटा प्याज ले लिया हूँ, वो भी इसमें मिला देंगे। 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक टुकड़ों में काट दिया हूँ, वो भी इसमें मिला देंगे। लहसुन और प्याज को थोड़ा 2-3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जब तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, अपना प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अभी जो अपने गोल बना के रखा था दही का, वो इसमें मिला देंगे अच्छे से, हिला के मिला देंगे ताकि नीचे कुछ मसाला ना बच जाए। कड़ी को बराबर हिलाते रहना फ्रेंड, नहीं तो इसमें गांठे पड़ सकती है कड़ी में और अपना दही भी फट सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पूरा 1 लीटर तक पानी मिलाया है। अब इसको जब तक उबाल नहीं आए जब तक उसको तेज आंच में पकाएंगे। उबाल आने के बाद कम आंच में पकाएंगे और कम से कम 30 मिनट तक पकाएंगे। देखिए दोस्तों, कड़ी अपने उबलने लग गई है। अब उसको धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच में। तो दूसरे गैस पे पकौड़ा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है, घर पे पिसा हुआ बेसन है, दरदरा बेसन है। आप भी इसी तरह का बेसन यूज कर सकते हैं, घर का बना हुआ। अभी इसमें
हम मसाला मिलाएंगे, थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट ले लिया है, घर पे कूट के मैंने तैयार किया है, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है इसमें, थोड़ा सा अजवाइन ले लिया मैंने, हाथ में क्रंच करके इस तरह से डाल देंगे, पकौड़ी में अच्छा फ्रेगनेस आए, एक प्याज काट के छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके वो भी बेसन मिला देंगे, थोड़ा धनिया पत्ती डाल देंगे ताजा वाला, उसमें थोड़ा जीरा भी मिला देंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी ले ली मैंने, वो भी क्रंच करके डाल देंगे बेसन में, उसमें थोड़ा ऑयल भी मिला देंगे थोड़ा सा 1 टीस्पून, ताकि अपने पकौड़ा एकदम सॉफ्ट बने, थोड़ा मीठा सोडा भी डाल देंगे, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी देखिए अपना पूरा बेसन मिक्स हो चुका है, इसमें कुछ गाढ़े भी नहीं बची हुई हैं, अभी उसमें कटोरी मैंने दही लिया है, मिला देंगे इसमें, फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों अपना पकौड़ा का पेस्ट रेडी हो चुका है, अभी उसमें ऑयल में फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों तेल अपना गर्म हो चुका है, अब पकौड़े बनाने की तैयारी करेंगे, तेल को थोड़ा कम धीमे कर देंगे और जो साइज का बनाना चाहिए वो साइज का बना सकते हैं, धीरे धीरे रहना दोस्तों आराम से, गैस को मीडियम रखना है। देखिए मैंने 2 बड़े डाले, अभी छोटे छोटे डाल रहा हूँ, आप भी अपना जिस साइज पसंद है उस साइज में डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पकौड़ा अपना बन चुका है, हल्का हो गया, तेल के ऊपर आ गया है, हल्का ब्राउन करा आने पर फ्राई करेंगे। पकौड़ा अपना हल्का सुनहरी कलर हो चुका है, अब इसको प्लेट में डाल के साइड में रख देंगे, और थोड़ा घोल बचा हुआ है उसका भी पकौड़ा बना देंगे। इस बार भी मैं छोटे छोटे डाल रहा हूँ पकौड़ा का, पकौड़ा नहीं है तो पकौड़ी है, छोटी छोटी डाल रहा हूँ इसलिए पकौड़ी बोलते हैं इसको, पकौड़ा तो बड़ा बड़ा होता है। देखिए दोस्तों पकौड़ी अपनी रेडी हो चुकी है, अब ये पकौड़ी कितनी सॉफ्ट है आप भी देखने पे मालूम पड़ता है, देखिए दोस्तों बहुत सॉफ्ट है पकौड़ी, आपको एक तोड़ के भी बताता हूँ, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, देखो कितना मसाला भरा हुआ है पकौड़ी में, पकौड़ी आप उन कड़ी में दोस्तों कड़ी भी एकदम जितना पानी डाला था उससे हाफ हो चुकी है, इतना अच्छा बना अपना कड़ी, देखो कड़ी में, और अभी थोड़ा मसाला मिलाने का है, थोड़ा आइटम मिलाने का है, कस्तूरी मेथी और ली है मैंने, तो कड़ी में डाल देंगे ऐसे, कस्तूरी मेथी को मसल करके डाल देना उसमें, थोड़ा देखिए थोड़ा धनिया पत्ती भी ले लिया है ताज़ा वाला, एकदम ताज़ा मार्केट से लाया हूँ आज ही मैं, वो भी मिला दूंगा इसमें, थोड़ा 2 चुटकी भर गर्म मसाला डाल देंगे उसमें, वो भी मिला देंगे, थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को, ताकि अपना कस्तूरी मेथी गरम मसाला का फ्लेवर कड़ी में पूरा आ जाए। थोड़ा 1-2 मिनट पकाएंगे, और पकौड़ा लिया था वो कड़ी में मिला देंगे गैस पे धीमी आंच पे, ताकि पकौड़ा अपना सॉफ्ट हो जाए। और देखिए दोस्तों 2 मिनट हो चुका है अपने, अब गैस को ऑफ कर देंगे, 5 मिनट तक ढक के रख देंगे, ताकि अपना पकौड़ा एकदम सॉफ्टी हो जाए, एकदम स्पंजी हो जाए। तो देखिए दोस्तों कड़ी अपने रेडी हो चुकी है, कड़ी में डालने के तड़का बनाते हैं। सबसे पहले गैस स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल ले लिया मैंने 1-2 टीस्पून। देखिए तेल गर्म हो चुका है, देखिए तड़के में मैंने 2 सूखी मिर्च ली है, उसको बीच में काट दिया हूँ, 2 टुकड़े कर दिया हूँ, और 3-4 पीस काली मिर्ची लिया है, वो भी डाल देंगे। दोस्तों तड़का बनाने से
करी में एकदम नई जान आ जाएगी, एकदम कलरफुल हो जाएगी करी अपनी, इसलिए तड़का बनाना ज़रूरी है। ये थोड़ा कश्मीरी चिली पाउडर लिया हूँ, वो भी डाल देंगे इसमें ताकि अपने करी एकदम कलरफुल हो जाए। गैस को बंद कर देंगे। कड़ी में डाल देना है इस तरह से। देखिए दोस्तों, कड़ी पकौड़ा अपना एकदम रेडी हो चुका है। देखिए दिखने में कितना एकदम सुंदर दिख रहा है, मनमोहक दिख रहा है, देखते ही खाने का इच्छा हो रहा है। तो दोस्तों आप भी घर पे बना के खा सकते हो, बहुत आपको फॉलो करके आप बना के खा सकते हो। तो आप लोग, आपको मैं बताऊंगा मेरा पकौड़ा कितना सॉफ्टी बना है, आपको काट के बताऊंगा मैं। देखिए एक मैंने पकौड़ा लिया है, देखिए दोस्तों एक पकौड़ा काट के बताऊंगा आपको, बिल्कुल मैंने बगैर जोर दिया ऐसे ही कट रहा है। देखो पकौड़ा कितना सॉफ्ट दिख रहा है, देखिए बगैर घर को ताकत लगाए पकौड़ा कट रहा है। तो दोस्तों मेरे रेसिपी को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को बराबर देखते रहिए, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।